है, ध्यान से देखना। 10th क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर ₹50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, हर्ष पेड 40% इमिजिएटली थ्रू चेक। एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल मैं आपको क्रिएट करके दे चुका हूँ, बट नहीं हुआ तो वो भी रिवाइज करना प्लीज दोबारा, ठीक है ना। तो इसमें हमें पहले कैलकुलेशंस करनी होती हैं, इसमें हमें पहले कैलकुलेशंस करनी होती हैं। कैलकुलेशंस कहाँ कर दूँ, जगह बनाऊँ? चलो 50,000 बना दी जगह जी, बहुत बड़ी बड़ी जगह बन गई, ठीक है, काफ़ी अच्छी जगह। क्या है हमारा लिस्ट प्राइस? 50,000। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है परसेंटेज वाइज? 20, 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना डिस्काउंट हो गया? 10,000। कितना सामान वापस, कितने पैसे लेने हैं? 40,000। कोई डाउट? क्या इसे बोलते हैं हम सोल्ड गुड्स? तो सेल प्राइस बोल सकते हैं, इनवॉइस प्राइस बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, सेल प्राइस भी इनवॉइस प्राइस भी। 40,000 लेने थे, अब क्या हुआ, उसने कुछ पैसे दिए कुछ नहीं दिए, रो रहे हो क्या? नहीं अच्छा मैंने डर गया, मैंने तो डांटा ही नहीं ठीक से अभी तक। ऐसे मत करो, मेरे राइट्स मत कट डेल करो, डांटूंगा अभी नहीं डांटा, अभी तो प्यार चल रहा है बेटा, अब तो डांट खाओगे तुम लोग। अभी तो वैसा बोला कि आओ तो सही, बैठो तो सही, सेटल तो हो जाओ थोड़ा सा। मैं डर गया कि मैंने कहा इतना नहीं है, फिर ठीक है, आँख में कुछ गया, ओके। हर्ष पेड 40%, तो जितने पैसे मिलने थे, कितने पैसे मिलने थे? 40 मिलने थे, 40 मिलने थे, आप इसको स्प्लिट करेंगे, कितने मिले कितने नहीं मिले। ही पेड 40% इमिजिएटली, तो 40% कैश ट्रांजैक्शन हो गई, 60% क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। ओके, तो 60% मतलब 24,000 तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उसको तो कर दो जी साइड। अब बची बात 16 की, ये पैसे मिल गए, इस पे आपने डिस्काउंट दिया, कितना कैश डिस्काउंट है? 5%, तो 5% मतलब 800 कैश डिस्काउंट, कितना? 800। तो 15,200, 15,200। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? अरे कैश ट्रांजैक्शन बोला जाता है, अभी एंट्री तो पास ही नहीं हुई, आएगा बैंक की, मतलब बेसिकली होता है या तो कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मतलब पैसे मिल गए, कैसे मिले वो तो अभी बाद में देखेंगे हम। कैश ट्रांजैक्शन मतलब आपको पैसे मिल गए, ओहो डाउट ही आया कि सर उसने चेक से पैसे दिए थे तो कैश डिस्काउंट क्यों मिलेगा? अरे कैश डिस्काउंट मतलब पेमेंट हुई। अब आप मुझे ऑनलाइन पैसे कर रहे हैं तो मैं करूँगा नहीं, फिर कोई डिस्काउंट नहीं है, कैश में देना था। नहीं, कैश डिस्काउंट मतलब पेमेंट हो गई, और पेमेंट नहीं हुई तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्लियर? अब एंट्री पास कर लेते हैं, एंट्री तो आप पास कर लेंगे, अब भरोसा तो नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिटेड, जितने पैसे मिल गए बैंक अकाउंट डेबिटेड, जितना आपने डिस्काउंट दिया डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड, जितना आपने क्रेडिट पे सामान बेचा किसको बेचा? हर्ष को, उतने से डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे। हर्ष डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, सामान कितने का था? 40,000। पैसे कितने मिले? 15,200। डिस्काउंट कितना था? 800। क्रेडिट ट्रांजैक्शन कितनी थी? 24,000। कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, ये भी बड़ी मजेदार एंट्री है, बी इंटरेस्टिंग। ऊपर वाली तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, बट वो तो प्योर कॉन्सेप्ट बेस्ड थी ना बेटा, वो तो अगर आप ढंग से रिवाइज करते क्लास क्लास का एग्जाम्पल तो यहाँ फिट करते, बट हाँ वो बैंक वाला पॉइंट आपका चलो क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखना, कैश रिसीव फ्रॉम राम, ध्यान से देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश रिसीव फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। आप राम, आप श्याम, कैश रिसीव फ्रॉम राम, मुझे पैसे किसने दिए? राम ने, ऑन बिहाफ ऑफ श्याम मतलब श्याम से मैंने पैसे लेने थे, पैसे कौन देने आया? राम, श्याम से पैसे लेने थे, श्याम घूमने जा रहा है बिजी है, श्याम ने राम को बोला कि यार ऐसा करिए तो जाएगा ना, ये पैसे दे दियो, वाह फूक मारी उनके मुंह पे। तो पैसे कौन लाया? राम। मैंने किससे लेने थे? श्याम। तो अब एंट्री मैंने पास करनी है अपनी बुक्स में, पैसे आए तो कैश अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, तो 50% तो मैंने कर दिया, बाकी 50% आप करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट हो गया 50,000, 5,000 जितने भी पैसे आए, टू राम की श्याम। आर यू श्योर?
राम किशन। राम का मेरे को लेना देना ऐसे तो, मतलब कोई भी रास्ते में आ गया तो मैं उसका अकाउंट थोड़ी ना क्रिएट कर दूंगा। मुझे पैसे लेने किससे थे तो मेरी बुक्स में डेटर्स कौन खड़े होंगे? श्याम के नाम से होंगे, तो श्याम ने राम के थ्रू पैसे भिजवाए तो राम का अकाउंट नहीं क्रिएट कर दूंगा मैं। पैसे मिलने किससे थे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वरना आप सोचो आपने राम का अकाउंट क्रिएट कर दिया, श्याम का तो बैलेंस कम ही नहीं हुआ आपकी बुक्स में, श्याम मिला आपको अगले दिन, भाई पैसे देते कैसे कैसे मानेगा, पिटाई विटाई कराए तेरी तो नहीं, क्योंकि आपने तो गलत एंट्री पास की हुई है। श्याम राम के पकड़ रहा है कि यार तूने पैसे नहीं दिए, उनका तो बैलेंस शो कर रहा है आपकी अकाउंटिंग एंट्री की वजह से, तो एंट्री होगी कैश टू श्याम। ओके चलो जी, क्वेश्चन 10 का डाउट भी क्लियर हो गए।